अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल्ला सईद और आप देख रहे हो एयरोट्रॉपी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जो रिसेंटली मैंने 3-4 वीडियोज़ अपलोड की हैं उसके ऊपर आपका बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत और रिस्पॉन्स देखने को मिला है। बहुत से लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया है और उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मतलब मुश्किल से चैनल रिकवर हो रहा है और आप रिकवर करवा भी रहे हो। तो आज की इस वीडियो में भी मैं यही मतलब आपसे दरख्वास्त, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो भी कर लेना, करते ही ऑल पर कर देना ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी एक छोटा मोटा कर दिया करो, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता होता है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जहाँ पर मेरी कोई गलती हो मुझे आप मतलब बता भी सकते हो, अब्दुल्ला भाई आपकी यहाँ पर गलती है या आपको कुछ ये चीज़ें बताना भूल गए इसमें से, तो वो मैम बीच में उसका कमेंट पिन कर दिया करूँगा और टॉप पर आ जाया करेगा। किसी भाई को मतलब होगी कोई मुश्किल पूछने में तो वो टॉप से कमेंट जो है पढ़ कर मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल से वाज़ है, हमारी जो वीडियो है वो ये है कि पाकिस्तान में मौजूद 5 सबसे सस्ती पीसीबी एयरगन्स। ये नहीं कि पावरफुल की बात हो रही है, ये नहीं कि बेहतरीन की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद सबसे सस्ती पीसीबी एयरगन्स की बात हो रही है। तो अब मैं सबसे सस्ती पीसीबी एयरगन से स्टार्ट करूँगा और जो 5वीं एयरगन है जो कि मतलब महंगी है इन 5ों में से, उसके ऊपर जाकर मैं एंड कर दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जी निकल के आती है, जैसा कि आपको सबको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद सबसे सस्ती पीसीबी एयरगन जो है वो आर्टिमस की PR900W और PR900S है, जो कि अब रेगुलेटेड भी होके आ गई है। पहले ये नॉन रेगुलेटेड थी, अब ये जेन 2 में जब से आई है तब ये सिंथेटिक स्टॉक में भी आना स्टार्ट हो गई है और इसके अलावा ये जो है वो रेगुलेटेड होके भी आ गई है। इसके ऊपर आपको रियर और फ्रंट साइड का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि बहुत ही कॉमन पीसीबीज में देखा गया है कि देखने को मिल जाए, मगर इसका फायदा कोई नहीं क्योंकि ये लॉन्ग रेंज में शूटिंग करवाती है, तो लॉन्ग रेंज के लिए स्कोप जो है आपको मस्ट रिक्वायर्ड है। इसकी शॉट कैपेसिटी की बात करूं ये आपको 35.22 कैलिबर पर शॉट्स देती है और इसके साथ तकरीबन कुछ 7 से 11 अक्षरों वाली रोटरी मैगजीन आती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एयर गन है जो कि इससे महंगी है वो है जी आर्टिमस की M22। तो इसकी जो प्राइस है 58,000 रुपए इसकी प्राइस है, बहुत अच्छी एयर गन है। लोग 60,000 रुपए की सेल कर रहे हैं, मैं आपको 58 की दूंगा और ये एयर गन जो है बहुत बेहतरीन, ये भी जेन 2 में आई है। इसका जो स्टॉक है वो पहले वाला कुछ ऐसा दिखता था, अब जो इसका स्टॉक है वो काफी अच्छा है, चिकरिंग्स इसके ऊपर दिखने को मिल जाते हैं। मैं बताता चलूं अगर आप एक लॉन्ग रेंज में शूटिंग करने वाली कम बजट में कोई एयर गन ढूंढ रहे हो तो आर्टिमस की M22 सबसे सस्ती ऐसी पीसीबी एयर गन है जो आपको 130 से 40 यार्ड तक शिकार करवा सकती है। शर्त यह है कि इसके ऊपर पैरेंट्स जो है आपको JSB के 18/13 ग्रेन 8 बैच और 0 बैच यूज करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शॉर्ट कैपेसिटी की बात करें दोस्तों, शॉर्ट कैपेसिटी की बात की जाए दोस्तों ये आपको 50+ शॉट्स देती है। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको 190 बार तक हवा भरनी चाहिए और ये एयरगन जो है 58,000 रुपीज की आपको मेरे से मिल जाएगी। दोस्तों तीसरी एयरगन पर जाने से पहले मैं आपको बताते चलूं आर्टिमस वाहिद ऐसी कंपनी है जो कि लो बजट में कम बजट में कम कीमत में बहुत एक्यूरेट और पावरफुल और बहुत हैंडसम मतलब लुक वाइज बहुत अच्छी एयरगन्स दे रहा है। ऐसे ही उन्होंने जो तीसरी एयरगन जो मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान में मौजूद तीसरी इनकी ही सबसे सस्ती मतलब तीसरे नंबर पर एयरगन आ रही है, वो है जी आर्टिमस की M16 M16 भी इसे आप बोल सकते हो। दोस्तों इस एयरगन की प्राइस जो है वो 68,000 रुपए इसकी प्राइस है। डिब्बा पैक न्यू, सप्रेसर भी एक्स्ट्रा इसके साथ आता है, दिखने में बड़ी खूबसूरत है, चीक पीस थोड़ा सा ऊपर को उभरा हुआ है जो कि इसकी शेप को बड़ा मतलब खूबसूरत और एक एयरगन के लिहाज से बड़ा ही मतलब डेंजरस सा बना देता है इसको। मुझे ये एयरगन ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है मगर मैं इस पर नहीं जा पाया। M16 जो है वो M22 से बेहतर है, ये भी आपको 130 से 40 यार्ड तक शिकार करवा सकती है। इस एयरगन की जो प्राइस है वो 68,000 रुपीज़ है। और इसके बाद मैं बात करूँ इसकी शॉट कैपेसिटी की, दोस्तों इसकी जो शॉट कैपेसिटी है वो तकरीबन 55+ शॉट्स देती है आपको एक बार फिल करने में। नेक्स्ट एयरगन की बात करूँ दोस्तों, नेक्स्ट एयरगन जो है वो नोवा विस्टा की लीवियाथन PSR2 है, अवेंजर भी बोल सकते हो इसको आप। दोस्तों इस एयरगन की प्राइस 71,000 रुपीज़ है, ये चौथी ऐसी एयरगन है जो कि सबसे सस्ती पीसीबी एयरगन है पाकिस्तान में मौजूद तीनों एयरगन्स के बाद। दोस्तों तीनों आर्टिमस की एयरगन्स के बाद ये चौथी ऐसी एयरगन है जो कि सबसे सस्ती पीसीबी एयरगन है। इसके स्टॉक की बात करूँ दोस्तों, इसका जो स्टॉक है वो काफ़ी मतलब रिव्यूज़ में देखा गया है, मानत भाई के और दूसरे तीसरे बंदों के भी, वो बताते हैं कि इसका जो स्टॉक है जो ब्लैक सिंथेटिक में आ रहा है ये कुछ थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा ही उन्होंने चीप सा बना दिया है जो कि मतलब दिखने में एक प्लास्टिक से ही मतलब फील देता है और ऐसे ही लगता है कि अभी टूट जानी है उनके मतलब बकौल, ठीक है। दोस्तों मगर एक्यूरेसी के लिहाज से पावर के लिहाज से ये बहुत अच्छी एयर गन है। एक नाम है इसका साइड लीवर एयर गन है और ये आपको तकरीबन 65 शॉट्स देती है एक बार फिल करने में। अब अगली गन भी जो है वो नोवा विस्टा की जो हमारी सबसे सस्ती 5वीं पीसीबी एयर गन है वो है जी नोवा विस्टा की HPP 900W, नोवा विस्टा अल्फा भी बोल सकते हो। दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो 71,000 रुपीज़ है, बहुत अच्छी एयर गन है, ये भी मतलब 65
प्लस आपको शॉर्ट्स देती है, और इसके अलावा बहुत मतलब एक्यूरेट एयरगन है, और बहुत सी आपने इसकी शूटिंग की वीडियोस देखी होगी। ये आपको तकरीबन 145 यार्ड तक शिकार करवा सकती है। अच्छी एयरगन है, एक्यूरेट है, और नोवा विस्टा जो है बहुत अच्छी एयरगन आपको दे रहा है। जैसे कि उन्होंने अब अपनी बुल पॉप भी लॉन्च कर दी, जिसे वो बिमहत बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, डोंट नो। तो दोस्तों ये पाँचवीं ऐसी एयरगन है जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, P10 P15 P35 ऐसी एयरगन का ये मुकाबला करती है। बात ये है कि ये सिर्फ राइफल शेफ्ट में और कुछ नहीं है, वो वुल पॉप में है, इस वजह से जो है इनकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है, उनकी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है गाड़ी में या मोटरसाइकिल वगैरह में, क्योंकि इस वक्त आपको पता है दुनिया पाकिस्तान के हालात क्या हैं, तो आप अच्छे से जानते हो कि बिल्कुल पाबंदी लगी हुई है PCP पर, स्प्रिंगर पर, तो राइफल शेफ्ट जो है वो बाहर नज़र आती हैं आपको बाहर से ही, तो इस वजह से जो है राइफल शेफ्ट पर लोग कम जाते हैं, और वैसे भी दूसरी जो बुल पॉपिंग वो कैरी करने में आसानी होती है। तो ये जो एयरगन है ये आपको 150 यार्ड तक शिकार करवा सकती है, कन्फर्म करवा सकती है। ये एयरगन के ऊपर भी आपको JSP 18/13 ग्रेन यूज़ करने पड़ेंगे, लो ग्रेन के पैराडी बिल्कुल भी नहीं वर्क करते, क्योंकि ये 1000+ FPS पर मतलब ट्यून हुई होती हैं ये एयरगन नोवा विस्टा की खास करके। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास 38,000 रुपये से या 70,000 रुपये का बजट है, तो इनमें से एक भी एयरगन के ऊपर जा सकती हो। अगर आपके पास 70,000 रुपये तो डेफिनेटली नोवा विस्टा अल्फा पर जाएँ, वो एयरगन इन सब में से लीवेथन भी अच्छी है, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, मगर इस वक्त नोवा विस्टा अल्फा जो है वो सबसे बेहतर एयरगन है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको लाजमी पसंद आएगी, पसंद आए तो अभी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तमाम याद रखें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।